नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी 2016 के प्रीवियस ईयर से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है उत्कृष्ट माल। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है कोयला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है प्रतिवर्ती परासरण। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि व्युत्पन्न मांग। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मशीनरी या यंत्र समूह। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि सितंबर से अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है उत्पादन उद्योग। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है मृदा तथा जल। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है C++। तो C++ जो है एक लैंग्वेज है, बाकी सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है, जो कि है ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का एक राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहां से लिए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि है 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय या स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि है देवलाली में। दोस्तों, आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि है जापानी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।